हम बच्चे तो बाबा के बच्चे बनने जा रहे हैं, बाबा से डायरेक्ट प्राप्ति करने जा रहे हैं। और जो डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं उनकी तो नस्ल नस्ल में बाबा के महावाक्य कमाई हुए होने चाहिए। तकनी में ही नहीं, करनी में भी। इसलिए अगर स्वामी बाबा ने बोला वो इस यज्ञ के लिए ब्राह्मण बहुत खौफनाक और खतरनाक है, जिनकी तकनी एक और करनी में भी। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो ब्राह्मणों के यज्ञ के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक। लेकिन शंकर जी का जो चित्र दिखाया है उसमें ये भी दिखाया है कि उनकी बाजुओं में ही कौन बैठे, आसीन के सांप घुसे बैठे, कि उनको परवाह नहीं होती। परवाह कौन करता है? परवाह वो करता है जिसके अंदर खोट होती है। कमजोर होगा तो उसको परवाह होगी, पावरफुल होगा, महावीर होगा तो किसी से डरने वाला नहीं होगा।